नमस्कार दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्टेटरशिप में बदल सकती है कई अलग अलग तरीकों से। शायद सबसे कॉमन तरीका है कि एक इलेक्टेड पॉलिटिशियन खुद ही डिक्टेटर बन जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडोल्फ हिटलर। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को ओवरथ्रो किया जाए एक सेपरेट ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा, और ये सेपरेट ग्रुप ऑफ लोग एक कंट्री की मिलिट्री हो सकती है, एक टेररिस्ट ग्रुप हो सकता है, या फिर ऑपोजिंग आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है। इस दूसरे केस को कू कहा जाता है, प्रनाउंस कू किया जाता है, लिखा ये ऐसे जाता है। अगर एक देश की मिलिट्री ऐसा करती है तो इसे मिलिट्री कू कहा जाता है, जो कि आज के दिन म्यांमार में देखने को मिल रहा है। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की मिलिट्री ने उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को ओवरथ्रो कर दिया, एक मिलिट्री कू किया, जिसकी वजह से आज के दिन सिचुएशन वहां पर बहुत अनस्टेबल है। आइए आज के वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं। कू डटे एक फ्रेंच शब्द है जिसका लिटरली मतलब है ब्लो अगेंस्ट द स्टेट। एक सरकार को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से गिराया जाता है। ऑब्वियसली ये करने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल पावर की जरूरत है, तो ज्यादातर कूज मिलिट्री कूज होते हैं, क्योंकि आर्मी के पास ही इतनी फिजिकल ताकत है, हथियार है कि वो एक सरकार को गिरा पाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, होने को एक कू किसी भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, एथनिक ग्रुप के द्वारा भी हो सकता है। एक सवाल शायद आपके यहां पर दिमाग में आया कि एक रेवोल्यूशन और कू में फर्क क्या हुआ। एक रेवोल्यूशन में आमतौर पर दोस्तों आम जनता भी पार्टिसिपेट करती है, सिविलियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कू में ऐसा नहीं देखने को मिलता। जैसे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, उनमें जनता का एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था, सिविलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दूसरी तरफ जब आप मिलिट्री कूज के बारे में सुनते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में इतने सारे मिलिट्री कूज के अटेम्प्ट हुए हैं, या फिर म्यांमार में अभी जो मिलिट्री कू हो रहा है, उसमें आम जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता, वहां पर मिलिट्री आर्मी कू करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि हमेशा एक मिलिट्री कू से डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश नहीं होती। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक मिलिट्री ने कू किया डेमोक्रेसी लाने के लिए देश में, और जो एग्जिस्टिंग डिक्टेटर था उसे हटाने के लिए कू किया गया। ऐसा हमें देखने को मिला 2019 में सूडान में, जहां पर सूडेनीज डिक्टेटर को मिलिट्री कू के द्वारा हटाया गया, और उम्मीद करी जा रही है कि अब जो मिलिट्री रूल कर रही है वहां पे, वो देश में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करेगी। लेकिन ऐसा रेयर केसेस में होता है, ज्यादातर केसेस में एक मिलिट्री कू के बाद डिक्टेटरशिप ही आती है देश में, जहां पर मिलिट्री नई डिक्टेटर बनती है देश की। एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली यह है दोस्तों कि दुनिया भर में कूज होना काफी आम बात है, कॉमन चीज है। हालांकि हम इंडियंस के लिए कॉमन नहीं है थैंकफुली, क्योंकि हमारे देश में आज तक कू नहीं हुआ है कभी भी, क्योंकि शायद हमारी मिलिट्री काफी सेपरेट रही है हमारी पॉलिटिक्स से, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन दुनिया भर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 500 से ज्यादा कूज के अटेम्प्ट किए गए हैं, जिनमें से 200 के करीब सक्सेसफुल रहे हैं। थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कू अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं, 13 से ज्यादा। अपने बगल में पाकिस्तान में भी 3 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं, और म्यांमार में भी एक अटेम्प्ट इससे पहले हो रखा है। आइए बात करते हैं म्यांमार की सिचुएशन के बारे में। इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल बाद म्यांमार को भी आजादी मिली थी ब्रिटिश रूल से 1948 में, और जो पार्टी पावर में आई इंडिपेंडेंट होने के बाद, उसका नाम था एंटी फैसिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग। 1958 तक कहानी बड़ी नॉर्मल थी, लेकिन 1958 में पहली बार इनकी मिलिट्री पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगी। इनकी AFPFL पार्टी में एक स्प्लिट हुआ, जिसकी वजह से चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नेवन को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये 2 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। 1960 के बाद फिर से इलेक्शंस कंडक्ट कराई गई, और जो भी इलेक्शन जीता इन्होंने पावर हैंडओवर कर दी। लेकिन और 2 साल बाद 1962 में इन्होंने पावर छीन ली एक मिलिट्री कू करके। इसके बाद दशकों तक इन्होंने अपनी मिलिट्री डिक्टेटरशिप जारी रखी म्यांमार में, और अपनी आइडियोलॉजी को फोर्सफुली इम्पोज किया जनता के ऊपर, जिसकी वजह से देश की जो इकोनॉमिक और सोशल हालत थी वो बहुत ही बेकार थी। 1980s तक यूनाइटेड नेशंस म्यांमार को वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में कंसिडर करता था। 1988 में जनरल सोम माउंग ने रिप्लेस किया जनरल नेवन को, और तब तक जनता के अंदर जो गुस्सा था देश की हालत को लेकर, वो बहुत बढ़ चुका था। और यहां पर एंट्री होती है म्यांमार के सबसे फेमस पॉलिटिकल लीडर की, ऑंग सान सू ची। ऑंग सान सू ची बेटी थी फ्रीडम फाइटर ऑंग सान की, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था म्यांमार को आजादी दिलाने में। इसी रीजन से उन्हें म्यांमार का फादर ऑफ द नेशन करके भी बुलाया जाता है। अराउंड द सेम टाइम एंड ऑफ 1980s इन्होंने एक पार्टी फाउंड करी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD, जिसका मेन एम था कि म्यांमार में वापस से डेमोक्रेसी लाई जाए और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हटाया जाए। मिलिट्री ने ऑंग सान सू ची को हाउस अरेस्ट पर डाल दिया 1989 में, उनकी आवाज दबाने के लिए। लेकिन तब तक
जनता में गुस्सा इस लेवल तक बढ़ चुका था कि मिलिट्री भी मजबूर हो गई 1990 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने को। 1990 की इलेक्शंस में ऑब्वियसली ओंग सान सू ची की पार्टी एनएलडी बहुत भारी बहुमत से जीती। मिलिट्री ने रिफ्यूज कर दिया इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से और वापस देश मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंदर ही रहा। इसके बाद अगली बड़ी लहर प्रोटेस्ट की देखने को मिली 2007 में, जब भारी मात्रा में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए इसे सैफरन रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। जनता बढ़ते फ्यूल प्राइसेस से और इकोनॉमिक हालत से बहुत नाराज थी। इस बारी मिलिट्री मजबूर हो गई एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने पर, जो कि इन्होंने 2008 में किया। हालांकि इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा इन्होंने कि 25% सीटें हमेशा मिलिट्री के लिए रिजर्व रहेंगी पार्लियामेंट में, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट्स करने थे तो 75% वोटिंग की जरूरत थी पार्लियामेंट में, तो मिलिट्री को एक तरह से वेटो पावर दे दी इन्होंने। एक लंबे समय बाद 2010 में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई, जिसमें अपेरेंटली इनकी मिलिट्री बैक्ड पार्टी यूएसडीपी ने इलेक्शंस जीत ली। तो एक मिलिट्री बैक्ड सरकार इलेक्शंस के बाद जब फिर से पावर में आई, अब जाकर फाइनली इन्होंने ओंग सान सू ची को हाउस अरेस्ट से रिलीज किया 2010 में। 2015 में अगली इलेक्शंस कंडक्ट करवाई गई और इस बारी ओंग सान सू ची की पार्टी ने भारी बहुमत से ये इलेक्शंस जीती। अपने सालों के स्ट्रगल के लिए ओंग सान सू ची को एक नोबेल पीस प्राइज भी अवार्ड किया गया, लेकिन 2017 में उनकी इंटरनेशनल इमेज फिर से डाउन चली गई रोहिंग्या की क्राइसिस के बाद। जैसा कि आप जानते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ ऑलमोस्ट एक जेनोसाइड सा कंडक्ट किया गया 2017 के अराउंड म्यांमार में। ये जेनोसाइड एक्चुअली में म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया, लेकिन लोग ओंग सान सू ची को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी उन्होंने अपनी मिलिट्री के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन ओंग सान सू ची के जो सपोर्टर्स हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि उनके पास ज्यादा पावर नहीं है बोलने की। अगर ओंग सान सू ची मिलिट्री के खिलाफ ज्यादा कुछ बोलती तो फिर से मिलिट्री एक कू कर देती और उन्हें पावर से हटा देती, सरकार से हटा देती। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ओंग सान सू ची ने कोशिश करी अपने पिछले 5 सालों में मिलिट्री को ज्यादा नाराज ना करने की। ये एक ऑफन एक्यूजिशन है जो ऐसी कंट्रीज के पॉलिटिशियंस पर लगाया जाता है। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पर भी आरोप लगाया जाता है कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री के इशारों पर नाचते हैं। पाकिस्तानी आर्मी एक्चुअली में कंट्रोल करती है पाकिस्तान की सरकार को। आपको याद होगा जब मैंने इंटरव्यू लिया था एक पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का। एक तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज आप देखें हमारे कल्चर में, क्योंकि पाकिस्तान के अर्ली डेज में जो डिक्टेटरशिप रही है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसी मिलिट्री की नर्सरी में ग्रो अप हुई है। तो मेंटली आपको उनमें फासिज्म की टेंडेंसीज नजर आती है। अच्छा, बोलेंगे वो नहीं, लेकिन मिसिंग पर्सन पे आप पॉलिटिशियंस के बयान नहीं सुनेंगे, दे साइलेंटली सपोर्ट इट। जब लेजिस्लेशन की बात आएगी, जब किसी के ट्रायल की बात आएगी, कोई लॉ नहीं बनाता है, वो लॉ नहीं बनाता। तो सरकार भी कहीं ना कहीं मिलिट्री से डरती है, आपको लगता है? तो ऐसे देशों में जहां पर मिलिट्री कूज इतने ज्यादा होते हैं, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होती है उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है मिलिट्री के खिलाफ जाना ओपनली। अपनी कहानी में आगे बढ़े तो नवंबर 2020 में अगली इलेक्शंस होती है म्यांमार में, और इस इलेक्शन में ओंग सान सू ची की पार्टी एनएलडी और भी ज्यादा भारी बहुमत से इन इलेक्शंस को जीतती है। साथ ही साथ पिछले साल सू ची ने कहा था कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना चाहती हैं देश में, जिससे कि वो जो 25% वाला रूल है मिलिट्री का कि उनकी हमेशा इतनी परसेंट सीटें रिजर्व रहेंगी पार्लियामेंट में, उस रूल को हटा दिया जाए। लेकिन ऑब्वियसली ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाने के लिए फिर से मिलिट्री के सपोर्ट की जरूरत है, तो मिलिट्री ने इसको वीटो कर दिया था। लेकिन इलेक्शंस में इतनी भारी बहुमत से जीतने के बाद अब मिलिट्री के अंदर ये डर है कि कहीं वो अपनी पावर सही में ही ना खो दे, क्योंकि मिलिट्री को दिखने लग रहा था कि जनता का सपोर्ट धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ओंग सान सू ची की पार्टी के लिए कि जल्द ही मिलिट्री को कॉन्स्टिट्यूशन से भी हटाया जा सकता है। और एग्जैक्टली यही रीजन है दोस्तों कि फरवरी 2021 में म्यांमार की मिलिट्री एक और मिलिट्री कू करती है और ओंग सान सू ची की पार्टी को पावर से ओवरथ्रो कर देती है। और इस बार ये बहाना देते हैं कि ये जो नई इलेक्शंस थी इसमें इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं, इसलिए हमने मिलिट्री को कंडक्ट किया है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी किया था, उन्होंने बताया था कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस था ये बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था, यहां पर कोई फ्रॉड नहीं हुआ था। इस मिलिट्री कू के बाद से दोस्तों ये बड़ा साफ हो गया है कि जनता किसकी साइड है। एक और नई लहर दिखी है प्रोटेस्ट की पिछले एक महीने में म्यांमार में। पीसफुल प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और सारे अलग अलग सेक्शंस ऑफ लोग निकाल रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ म्यांमार में। इन प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया है ये 3 उंगली वाला हाथ का साइन, जो पहली बार हंगर गेम्स मूवी में देखने को मिला था, जब कैटनिस प्रोटेस्ट करती हैं अपने डिक्टेटर के खिलाफ मूवी में। मिलिट्री का रिस्पॉन्स इन प्रोटेस्ट को लेकर बहुत बहुत ज्यादा वायलेंट रहा है। ओपन फायर किया गया है प्रोटेस्टर्स पर। हर दिन खबर में आता है कि कितने प्रोटेस्टर्स मारे गए जब पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी उन पर।
प्रोटेस्टर्स अब हेलमेट लेकर प्रोटेस्ट करते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिमांड कर रहे हैं इंटरनेशनल लोगों से, इंटरनेशनली मदद मांग रहे हैं। इंटरनेशनली बाकी देश और बाकी सरकारें अनफॉर्चुनेटली ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इस सिचुएशन में म्यांमार की जनता की मदद करने के लिए। उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन जरूर डिक्लेयर किए हैं कुछ कंट्रीज ने, जैसे कि यूके और यूएसए ने, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करना काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ लोग प्रपोज करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट को अपनी मिलिट्री के थ्रू इंटरफेयर कर देना चाहिए और म्यांमार की मिलिट्री को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, लेकिन ये फिर से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने ये कितने और देशों में करने की कोशिश करी, जैसे कि इराक में, और सब जानते हैं वहां पे इवेंचुअली क्या हुआ। दूसरा, कुछ लोगों ने प्रपोज किया था कि एयर ड्रॉप कर दिए जाए म्यांमार की जनता को हथियार। अब ये भी एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सोल्यूशन है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये भी करने की कोशिश करी गई है बाकी पहले कई देशों में, और इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुई हैं, जैसे कि अलकायदा अफगानिस्तान में। और यहां पर मुझे महात्मा गांधी की फिलॉसफी भी याद आती है। उन्होंने कहा था कि फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन में हथियार का इस्तेमाल किया गया डिक्टेटरशिप को ओवरथ्रो करने के लिए, लेकिन आगे हुआ क्या उससे, इवेंचुअली उन कंट्रीज में फिर से डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो गई। अगर रियलिटी में महात्मा गांधी का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए डेमोक्रेसी रखनी है देश में, तो नॉन वायलेंट होना उस चीज के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या सबसे सही तरीका हो सकता है म्यांमार की जनता की मदद करने का और म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक रूल एस्टेब्लिश करने का। कई और लोगों ने अपने अलग अलग तरीकों से कोशिश करी है म्यांमार की मदद करने की यहां पर, जैसे कि हांगकांग प्रोटेस्टर्स ने एक टूल किट जारी कर, सही सुना आपने, एक टूल किट जारी करी म्यांमार के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब ये तो मैं नहीं जानता कि म्यांमार की मिलिट्री सरकार उस टूल किट को कितना एंटी नेशनल कहेगी, लेकिन उस टूल किट में डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स बताई गई हैं पीसफुली प्रोटेस्ट करने की और कैसे प्रोटेस्टर्स अपने आप को बचाकर रख सकते हैं प्रोटेस्ट करते वक्त। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस टूल किट का मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। बाकी कुछ म्यांमार के प्रोटेस्टर्स का यह भी आइडिया रहा है कि अपनी पूरी इकोनॉमी को फ्रीज कर डालते हैं, अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, हम अपने रेस्टोरेंट्स, अपने बिजनेसेस सब बंद कर देते हैं ताकि पूरे देश की इकोनॉमी एकदम से रुक जाए। जब लोग काम ही नहीं करेंगे आगे तो मिलिट्री गवर्नमेंट शायद मजबूर हो जाए कुर्सी छोड़ने पर। लेकिन अभी आगे देखने वाली बात होगी कि जनता अपना संघर्ष कैसे जारी रखती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/dhruvrathi पर या YouTube पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन क्लिक करके, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशन वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।